एक्चुअली लिपिंग डायरीज आज आपको बता रही हूँ मैं, जो बॉटल्स होती हैं हमारी ये बड़ी, तो एक तो बड़ा इतना ब्रश नहीं होता और उसको धोने में वो इस तरह से उसमें निशान हो जाते हैं और वो साफ़ नहीं हो पाती है। तो हम आपको मैं आज ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप उनकी बॉटल जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। ये जो हमारे डिस्पेंसर बॉटल है इसको किस तरह से हम आसानी से और बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, इसके लिए ये जो मैंने ना थोड़े से चावल लिए हैं, देखिए चावल है मेरे पास, कोई से भी आप चावल ले सकते हैं, नॉर्मल बासमती ना लें, नॉर्मल जो सादे चावल होते हैं आप वो लें। उसमें थोड़े से मतलब ये 2 चम्मच चावल होंगे, उस चावलों को आप इसमें बॉटल में डाल दें, 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे डिश वॉश जो होते हैं ना वो लिक्विड डाल देंगे आधा ग्लास पानी। आपके पास केप हो तो उसका केप लगा दें, या फिर इस तरह से हाथ रखें बॉटल में और इस तरह से आप इसको शेक करें। देखिए इसको मैंने इसको अच्छे से शेक कर लिया है। ये देखिए हमारी बॉटल जो है अच्छे तरह से साफ हो गई। ये देखिए इसमें देखिए कितना पूरा गंदा की जो भी बॉटल में थी सारी गंदगी जो निकल गई है, पानी दिख रहा है आपको गंदा। ये देखिए यहाँ से भी देखिए आप कैसा था, अब ये पूरा साफ हो गया है। इससे अब मैं इसको अच्छे पानी से धो लूँगी, साफ पानी से धो के फिर बताती हूँ मैं आपको पूरी बॉटल जो है कितनी साफ हो गई है हमारी। ये देखिए बॉटल को मैंने अच्छे पानी से वॉश कर लिया है, धो लिया है। देखिए मेरी बॉटल जो है डिस्पेंसर बॉटल कितनी साफ हो गई है। और अब आप भी आपको भी बॉटल धोना हो तो आप इसी तरह से बॉटल को वॉश करिए, धोइए। और अगर आपको मेरी आइडिया पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।